I have a picture ladies call. Her name is Dinesh Parvez. So we have Dinesh Parvez in here. So she's basically designed, stylized everyone's character basically for this Jared Iqbal. Mujhe bataye Dinesh, ye idea, how was it difficult for you to conceptualize that kind of character in your mind for yourself? क्रिमिनल बेस्ड है yeah. तो हमें डायरेक्टर की तरफ से काफ़ी इंस्ट्रक्शंस थी और हमें हमारे पास अखबार की फुटेज थी जिसमें उस आदमी की शक्ल थी और वो जो एक पर्टिकुलर स्वेटर जो अखबार में आया हुआ था जिसपे उनकी गिरफ्तारी हुई थी, अगर आपको मैं बताऊं कि वो बना कैसे, वो एक नॉर्मल स्वेटर के ऊपर हमने एक्चुअली वर्क करके, बिकॉज यू नो वो स्वेटर सब मिलते नहीं है, हमने इतनी डिटेल्स के ऊपर काम किया है. प्लस आयशा का मैंने कॉम्प्लेक्शन डार्क किया है टू लुक लाइक अ सीएसएस ऑफिसर. सो यू नो बहुत छोटे छोटे डिटेल्स पे काम हुआ क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस थे डायरेक्टर की तरफ से कि कभी से भी ये फिल्म फेक नहीं लगनी चाहिए स्टाइलिंग बेस, क्योंकि जब आप कमर्शियल में फिल्म कर रहे होते हैं ना तो आप बहुत ग्लैमरस लुक देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, ऐसे स्टाइलिश आप अपना इनपुट दे सकते हैं, बट ये इतनी रियलिटी बेस्ड थी कि इसको फॉलो करने के लिए हमें उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना था. तो उसमें हमने हर किसी को छोटा मोटा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेटअप दिया है, जैसे यासिर ने यहाँ पे एक स्कार डाला था, प्लस उसके बाल खिड़की से मेरी से हमने उसको स्ट्रेट करके बिठाया था. आई एम श्योर कि जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप लोग इन सारी डिटेल्स को समझ के इस फिल्म के ऊपर जितनी मेहनत हुई है उसको जरूर सराहेंगे. ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू.